इसके बाद स्वामी जी से प्रार्थना करता हैं रोहित जी से प्रार्थना करता हूं जो कुछ उपदेश हमारे लिए करना है उसे करने के लिए वनकम आज चेन्नई जिसको हम लोग और पूरी दुनिया मद्रास के रूप में जानती है यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे तमिलनाडु आने का कई बार सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है परंतु इस बार आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कि जन्म जयंती के परिप्रेक्ष्य में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ वह एक सनातनी और भारतवासी होने के कारण मुझे अत्यंत प्रसन्नता का बोध कराता है आपके चेहरों पर उभरी मुस्कान और आपके तालियों की गड़गड़ाहट इस बात को प्रमाणित करती है कि तमिलनाडु के अंदर आदिगुरु शंकराचार्य भगवान के प्रति कितनी निष्ठा कितनी प्रतिष्ठा कितना आदर और कितना सम्मान अवतरित होता है पिछले वर्ष आदिगुरु शंकराचार्य जी की जयंती पर देश की राजधानी दिल्ली में हम लोगों ने एक बड़े समारोह का आयोजन किया था उससे पूर्व बनारस हैदराबाद बेंगलोर पटना रांची कानपुर कोल्हापुर बंबई जैसे शहरों में भी आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है आज सवेरे चेन्नई के एमआरसी हॉल में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज और देश के अन्य महत्वपूर्ण और मद्रास से जुड़े कई गणमान्य विभूतियों की मौजूदगी में करने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे प्रसन्नता तब और ज़्यादा हुई जब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वाराखेरी जी के द्वारा आज चेन्नई में शाम में हमारे कार्यक्रम के अलावा भाई साहब थोड़ा किनारे हो जाइए आज हमारे कार्यक्रम के अलावा मद्रास संस्कृत कॉलेज जिसके अध्यक्ष देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को रहने का अवसर प्राप्त हुआ है उस अत्यंत प्रतिष्ठित द मद्रास संस्कृत कॉलेज में आकर मैं अपने आप को धन्य पा रहा हूं और आज इस आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलने का जो प्रतिष्ठित अवसर आप लोगों के द्वारा दिया गया इसको पाकर और धन्य हो गया आदिशंकर का जन्म केरल के कालदी में होता है और केरल के कालदी में जन्मे आदिशंकर जब पांच वर्ष के होते हैं तो उनके पिता का निधन हो जाता है किस प्रकार से अपने गांव में नदी में नहाते हुए मगरमच्छ से उनका भेद होता है उनकी माता का निधन हो जाता है किस प्रकार से गांव के लोगों के द्वारा विरोध सहने के उपरांत माँ का अंतिम संस्कार अंत्यस्थी करने के अलावा मात्र 32 वर्ष की अवस्था में इस देश में चार धाम को स्थापित करते हुए 32 वर्ष की आयु में आज तो हवाई जहाज है रॉकेट है मोटर बाइक है पानी में चलने वाला जहाज है चार्टर प्लेन है इंटरनेट है फेसबुक है ट्विटर है इंस्टाग्राम है लिंक है सोचिए उस जमाने में आदिशंकर के पास संसाधन का अभाव था और किस प्रकार से 32 साल की आयु में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी की गरिमा में मौजूदगी है महाराज करपात्री जी के विचारों के संवाहक हैं आदिशंकर के विचारों का प्रतिपादन पूरे देश में कर रहे हैं यह सोचने का विषय है किस प्रकार से महज बत्तीस वर्ष की अवस्था में देश के चारों धाम चार पीठ की स्थापना आदिशंकर ने की मैं तो उस धरती से आता हूं मैं बिहार का रहने वाला हूं बिहार में मंदन मिश्रा के साथ जो संवाद आदिशंकर का हुआ मंदन मिश्रा की धर्मपत्नी ने किस प्रकार से आदिशंकर को चैलेंज किया और पर काया प्रवेश के माध्यम से आदिशंकर ने जो ज्ञान प्राप्त किया और फिर मंदन मिश्रा की धर्मपत्नी को संतुष्ट किया शास्त्रार्थ हुआ तो बिहार की भूमि जहां मुझे पैदा होने का अवसर मिला उस धरती ने आदिशंकर भगवान को चैलेंज किया और आदिशंकर ने विनम्रता से उस चैलेंज को स्वीकार किया मैं जब उतर रहा था गाड़ी से तो जहां जाइए भारत नहीं दुनिया के जिस कोने में जाइएगा तो भोजपुरी लिट्टी चोखा दही चूड़ा और पूर्वांचली भाई या बहन निश्चित मिल जाते हैं तो प्राचार्य जी ने परिचय कराया कुशीनगर के अखिलेश जी से अखिलेश जी नाम बा अखिलेश्वर जी पद्रौना हम लोग कहते हैं कुशीनगर तो कुशीनगर के रहने वाले हैं जब मैं मद्रास की भूमि पर अपनी गाड़ी से इस कॉलेज में उतर रहा था तो एक पूर्वांचली से यहाँ भी भेंट हो गया इनसे पूछिएगा लिट्टी चोखा खाते हैं कि नहीं मुझे लगता है कि अभी भी मद्रास में आप लोग कहाँ से हैं हैं? बिहार में कहाँ घर बा? बेगूसराय बार बरैया बेगूसरैया आज दिनकर जी की पुण्यतिथि है आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट रामधारी सिंह दिनकर ही यू बी नोइंग ही वॉज नेशनल पोएट ऑफ द कंट्री एंड टूडे हिज पुण्यतिथि इज देयर आदिशंकर जयंती एंड हिज पुण्यतिथि आदिशंकर जयंती इज टूमोरोलिब्रेशन टूडे ऑल्सो बट दिनकर वाज़ फ्रॉम बेगुसराय, एंड यू ऑल शुड बी नोइंग दैट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मेरी जानकारी में दिनकर जी की मृत्यु इसी मद्रास में हुई थी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपना अंतिम समय मद्रास में बिताया Ramnath Goenka was a famous journalist who established Indian Express, Jansatta. He was from Bihar only, Darbhanga. He came to Madras, he established the paper, he was one of the finest journalists. Still we read Indian Express and Jansatta. Dinkarji was very close to Ramnath Goenka. So since the students studying in Madras Sanskrit College said that we are from Bihar and we are from Begusarai.

आदिशंकर बोस चैलेंज एंड क्वेश्चन इन बिहार भाई मंदन मिश्रा वाइफ आई मेट अखिलेश्वर मिश्रा जी हियर फ्रॉम कुशीनगर पद्रौना ईस्टर्न यूपी एंड आई मेट सम फेलो स्टूडेंट्स स्टदिंग हियर हुआ आर फ्रॉम बिहार द एरिया बेगूसराय एंड बेगूसराय रिमेम्बर्ड मी दिनकर दिनकर पुण्यतिथि टूडे एंड दिनकर लिव दिज लास्ट लाइफ हियर इन मद्रास तो ऑल को हियर ओनली मैं भी बिहार से हूं स्वामी जी हैं बनारस बलिया ऑल आर कनेक्टेड तो शंकर की बड़ी कृपा हम पर रही है आज सवेरे कार्यक्रम में मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हमारे कार्यक्रम में आए थे हमें बड़ा सौभाग्य हुआ कि वो हमारे कार्यक्रम में आए स्वामी जी की गरिमामयी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रत्येक हिंदुस्तानी को प्रत्येक भारतीय को 15 अगस्त 1947 नहीं भूलना चाहिए every indian should never forget 15 august because that is our independence day like that only every indian should never forget the janm janmti of adi guru shankrachar that is the matter of pride and proud for every indian <laughs> मुझे स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज के साथ केरल के कालदी गांव में तीन बार जाने का अवसर मिला मन में अलग सी अजब सी बेचैनी हो रही है आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी केरल गए हैं तो शंकराचार्य जी के जन्म जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री केरल में हैं इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है तो मैं यहां उपस्थित सभी लोगों से जो मुझसे उम्र में छोटे हैं उनके प्रति प्रेम जो उम्र में बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम आज हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी होने के कारण भारतीय होने के कारण और सनातनी होने के कारण आदिशंकर के काम जो उस समय पूरे हो चुके थे उन कामों को जीवन का मानक मानकर हमें आगे बढ़ना है मैं ये नहीं कहूंगा कि आदिशंकर के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना है क्योंकि उन्होंने अधूरा कुछ छोड़ा ही नहीं जो स्वयं में शंकर हो जो स्वयं में पूर्ण हो वो अधूरा कैसे अधूरा तो हम और आप हैं वी आर नॉट पूर्ण वी आर नॉट कंप्लीट वी आर इनकंप्लीट बिकॉज वी आर नॉट वॉकिंग वी आर नॉट टॉकिंग वी आर नॉट थिंकिंग वी आर नॉट ड्रीमिंग द वर्ड धनबाई आदि संक्रा सो टूडे विशु टेक अ प्लेज ज्यादा ताली बजाइएगा तो मुझे लगेगा मैं बोल गलत रहा हूं मैं बैठ जाऊंगा तो चूंकि हम बचपन में विद्यार्थी थे तो जब हमारे टीचर पढ़ाते थे और हमको लगता था कि बहुत हो रहा है तो हम लगते थे ताली बजाने तो टीचर को लगने लगता था कि विद्यार्थी जो है वो उब रहा है तो मास्टर साहब और मैडम जो थी वो बैठ जाते थे फिर दस मिनट का ब्रेक देने के बाद फिर पढ़ाने लगते थे तो आई अंडरस्टूड दैट आई शुड लीव नाउ बट देन ऑल्सो आई विल स्पीक मोर वन टू मिनट आदि शंकर के कामों को जीवन का मानक मानकर हमें आगे बढ़ना है और देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति आज मद्रास की भूमि से मैं आभार प्रकट करता हूं कि केदारनाथ में उन्होंने आदिशंकर की प्रतिमा स्थापित की तो आप सब लोगों को आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की जन्म जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं वाचा स्खलन में कुछ त्रुटि हुई होगी तो आप क्षमा प्रार्थी करेंगे तमिलनाडु की भूमि को प्रणाम है मद्रास चेन्नई की धरती को प्रणाम है आदिशंकर की जन्म जयंती पर उनके चरणों में प्रणाम है एक बार पुनः वनकम भारत माता की जय आदिशंकर को प्रणाम सिन्दूरुण विग्रह त्रिनय नाम यकशिखरास्मतिमुखे मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्या मणिपूर्णरत्न च सखं रक्तोत्पला सौम्याम रत्न घटस्थ रक्तचरण ध्याद पराम अंबिका ध्याद पराम्बिका ध्याद पराम अम्बिका संपस्थित वरिष्ठ सभा के सभाध्यक्ष महोदय शंकराचार्य जी के जयंती के परिपेक्ष में हम लोग उपस्थित हुए हैं समझने के पहले दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें तत्पश्चात फिर चर्चा जैसी भगवान विश्वेश्वर की इच्छा होगी हम लोग करने का प्रयास करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय

धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या माता की धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जगदगुरु शंकराचार्य भगवान की ब्रह्मलिंद स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की हरा हरा महादेव इस द्रविड़ प्रदेश में आदि शंकर के जयंती के परिपेक्ष में इस महाविद्यालय द्वारा आयोजित पंचदिवसीय कार्यक्रम के परिपेक्ष के चौथे दिन जब हम लोग आ रहे थे तो सुब्रमण्यम जी शंकराचार्य जी द्वारा रचित अपरोक्षा अनुभूति के एक सूत्र की व्याख्या कर रहे थे उस सूत्र की व्याख्या में इन्होंने अंग्रेजी में भी समझाने का प्रयास किया तमिल भाषा में भी इन्होंने जो अपना पक्ष रखना था रखने का प्रयास किया रख भी रहे हैं हम लोग सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालय से लेकर अन्य विश्वविद्यालय आदि को देखते हैं महाविद्यालयों को देखते हैं बड़ी सुंदर अपरोक्षानुभूति की व्याख्या होती है ब्रह्मसूत्र के वाक्य का भी प्रतिपादन किया जाता है प्रस्थानत्रयी में गीता को भी कहीं छोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता है उपनिषदों का पाठ भी बहुत अच्छा और सस्वर होता है परंतु जब हम लोग उस क्रम के विपरीत देखते हैं तो प्रोफेसर आदिक का जो ड्रेस होता है अपने मूलभूत परिधान से विलग होता है परंतु इस विद्यालय में आने पर एक प्रसन्नता ज़रूर हुई कि महाविद्यालय के प्रचार से लेके विद्यार्थी तक और माता से लेके जो हमको लगता है कर्मचारी गण भी भारतीय परिधान और वेद शास्त्रानुमोदित वस्त्र में विराजमान है यह एक बड़ी सुंदर व्याख्या है सुंदर चरित्र देखने को मिल रहा है कि मनस्य कम बचस्य कह कर्मणस से कह महात्मा जैसे हम लोग एक सूत्र सुनते हैं कि मन में वचन में और कर्म में जो भी है उस विषय को समझ सकते हैं विद्वत वरिष्ठों के बीच में अपरोक्षानुभूति पर अच्छा प्रकाश आप डाल रहे थे उसी बीच में जब रोहित जी अपना प्रवचन देना शुरू किए तो आदि शंकर के विषयों पर प्रकाश डालते डालते मंडन मिश्रा पर चले गए और मंडन मिश्रा के बाद परकाया प्रवेश की चर्चा इन्होंने किया विद्वत वरिष्ठ ब्रह्मचारी से लेके गृहस्थ और गृहस्थ से लेके वानप्रस्थ सब लोग यहाँ बैठे हों माताएं भी बैठी हुई हैं जो गार्गी आदि के स्वरूप लोपामुद्रा की प्रतिमूर्ति के रूप में विराजमान हैं और जब मंडन मिश्रा से को पराजित करके भारतीय जी जब मंडन मिश्रा के परिपेक्ष में खड़ी हुई और आदिशंकर से शास्त्रार्थ होना शुरू हुआ और आदिशंकर मौन हो गए और उन्होंने एक ऐसे विषयों को उठाया जो एक सन्यासी से परे होता है एक ब्रह्मचारी से परे होता है जिसका वह ना अनुभव जानता है ना उसकी सार्थकता का अनुभव उसके जीवन में होता है ना उस विषय को जानने का प्रयास करता है तो हमारे मन में कभी कभी आ जाता है कि भगवती के इतने सुंदर आज हम लोग ललिता सहस्रार्चन कर रहे थे दस हजार आज भगवती का अर्चन हुआ कुमकुम -कुम से तो आता है कि महाभोग विलासिनी भगवती के नाम में महाभोग विलासिनी का भी वर्णन और उल्लेख मिलता है शंकराचार्य जी जाते हैं तो भगवती स्वरूपा भारती उन पर इसी पर अटैक करती और पूछती है कि आप बताइए काम सूत्र के बारे में उन्होंने उनसे प्रश्न किया और आदि शंकर को अपने इस स्थूल शरीर को परकाया प्रवेश करके उस विषय का अनुभव लेना पड़ा और परिपूर्ण सत्ता का ज्ञान उनको हुआ जब भारती जी ने उनको बताया कि यह भी एक जीवन का अंग होता है इसको भी समझना जरूरी होता है परंतु कैसे शास्त्र अनुमोदित नियमों के पर बंधन में बद, बदते हुए तो यह भी एक सार्थकता होती है आज समाज में एक विकृति धार विकृत धारणा चल गई है और बताया जा रहा है यह क्या है यह क्या है रामचरित मानस की एक चौपाई आती है तेईते गुण दोष बखाने संग्रह त्याग भिन्न पहचाने गुण दोष का वर्णन होता है परंतु जब हमारे स्वामी जी से बात करते थे हम अपने स्वामी जी से सुनते थे तो वो कहे कि जहर से लेके अमृत तक और चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत जो भगवान ने बनाया है उसकी एक सार्थकता होती है उसकी एक अपनी भूमिका होती है हलाहल विष अगर नहीं निकलता तो अमृत का कोई महत्व तो नहीं होता अगर लक्ष्मी उसमें से आती हैं तो ऊंचे सरवा घोड़ा का भी एक महत्व है एरावत भी अपना स्थान रखता है तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जितने भी कर्म अनुमोदित किए गए हैं शास्त्र के माध्यम से कहीं ना कहीं उसका एक परिपेक्ष है उसका एक स्थान होता है तो हम लोग को यह समझना है कि हम अमरोक्षा अनुभूति का श्रवण अपने कर्ण माध्यम से न करते हुए उस पर चलने का प्रयास करें जब देखते हैं कि बड़े बड़े फिलोसफी फिलोसफर टीवी पर आते हैं और अपनी व्याख्या का वर्णन करते हैं तो उसकी धारा हमको लगता है कि निर्बाध और आबाद गति से पहुंच जाती है परंतु वही कभी आ, अपने आप पर अनुभव होता है तो तुरंत शैल चिकित्सा और चिकित्सा का अनुभव लेता है उस समय वेदांत का का सूत्र खत्म हो जाता है तो वेदांत कहने का विषय नहीं है जितने महापुरुषों ने जो उपदेश दिया प्रथम मुनि हरि कीरत गाई मग चलत सुगम भाई जितने महापुरुषों ने उपदेश दिया उस पर चल के करने का प्रयास किया शंकर अगर कालटी में स्थापित हो जाते और माँ की सेवा पर अपने जीवन को सीमित रखते तो फिर वो गोविंद का दर्शन नहीं कर पाते वो नारद कुंड में समाहित भगवान बद्री विशाल को जो अप्रत्यक्ष हो गए हैं उनको प्रत्यक्ष हम लोगों के दर्शन के लिए सुलभ नहीं कर पाते अगर शंकराचार्य नहीं होते तो उत्तरा मनाए से लेके दक्षिणा मनाए पूर्वा मनाए से ले कर पश्चिमा मनाए, मनाए, मनाए। सबको एक सूत्र में पिरोने का काम कोई नहीं कर पाता अगर शंकराचार्य नहीं होते तो वेद के मर्यादाओं का स्थापन नहीं होता अगर शंकराचार्य नहीं होते तो अद्वैत का प्रतिपादन नहीं होता अगर शंकराचार्य नहीं होते तो बौद्ध मत का खंडन नहीं हो पाता अगर शंकराचार्य नहीं होते तो हमारे तीर्थों की मर्यादा सुरक्षित और संरक्षित नहीं होती अगर शंकराचार्य नहीं होते तो आज से पच्चीस हजार बरस पहले पच्चीस हजार पाँच सौ कुछ वर्ष पहले भगवान पच्चीस हजार कुछ वर्ष पहले भग एक सौ कुछ वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य शायद आए थे भगवान आए थे परंतु हमको लगता है कि कालगणना में हम कुछ व्यतिक्रम हो रहे हैं तो आए हो आए थे उसका सिद्धांत आज हम लोग नहीं पाते आज शंकराचार्य नहीं होते तो जो हम लोग की संन्यास परंपरा थी प्राय विलुप्त हो जाती अगर शंकराचार्य नहीं होते तो श्री विद्या का क्रम जो हम लोग राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर रहे हैं वह नहीं मिल पाता तो आदि शंकराचार्य जी का जीवन एक आध्यात्मिक जग के पथित को ही नहीं परंतु व्यसनी को भी होता है कि काम का अगर तुम्हारे मन में अधिकता है उधर भी जाना चाहते हो तो शास्त्र अनुकूल उस कर्म को करो तो तुमको भगवत प्राप्त हो सकता है वैराग्य में अगर चलना है तो उत्कट वैराग्य का प्रतिपादन आदि शंकराचार्य ने दिया और ब्रह्मचारी से सन्यास की ओर जाना है उसका भी प्रतिपादन करने में शंकराचार्य कहीं पीछे नहीं होते हैं और अद्वैत सूत्र जो भगवान शंकराचार्य का उपदेश है एको ओ ब्रह्मदूतीयो जीव ब्रह्म ही ना पर इसकी व्याख्या अगर करने लगें तो बड़े पंडित जी बैठे हैं सुब्रमण्यम जी अभी एक श्लोक की व्याख्या हमको लगता है कि हमको देख के संक्षिप्त में कर दिया इसका हमको खेद है कि इनका प्रवचन हम बहुत नहीं सुन पाए परंतु एक एक विषय का घंटों नहीं महीनों नहीं सालों नहीं हमको लगता है हजारों साल में किया जाए तो शंकर के परिभाषा को परिभाषित नहीं किया जा सकता है स्वामी करपात्री जी महाराज जो हम लोग आदिशंकर के अवतार माने जाते हैं वो श्री भगवान वाचो गीता पर बोलने लगे तो हमको लगता है कि छ महीना उसी पर अपना प्रवचन केंद्रित कर दिए तो एक एक स्तुति एक एक श्लोक एक एक विषय आदिशंकर को समझने में हम लोग कई जन्म लेंगे तभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि शंकर शंकर ने शंकर बस शंकर ही नहीं थे अपितु श्री शंकराचार्य नवा अवतारम श्री स... भगवान शंकर के अवतार थे हम लोग कहते हैं कि बौद्धों के बुद्ध के काली घटा के गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दी दया हरे जया जया प्रभु दीन दया हरे धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का माता की धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की ब्रह्मलिंग स्वामी श्री वेदांति जी महाराज की हर हर महादेव पुनः इस विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रोफेसर श्रीनिवास बाराखेड़ी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने वाक्य पुष्पांजलि भगवान शंकराचार्य के चरणों में अर्पित करते हैं हम हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ़ वंदे भारत मातरम इस शंकर पंचरात्र के चतुर्थ दिन तृतीय दिन में हम परशुराम की जयंती मनाते हैं मध्य में आज ये दो हमारे बीच महापुरुष आए और कल हम शंकर की जयंती मनाएंगे अर्थात एक और शौर्य की मूर्ति है एक और ज्ञान की मूर्ति है हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इन दोनों की दिन इन दोनों के वचनों को हमने आज सुना करपात्र स्वामी के संबंध में एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं करपात्री जी की एक रचना है मार्क्सवाद और रामराज्य रामराज्य हम जानते हैं क्या है मार्क्सवाद के बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं मार्क्सवाद क्या है एक थोड़े से कथानक के मध्य बहुत संक्षेप में बताते हैं क्या है मार्क्सवाद कहता है कि सब समाज में सब साम्य होना चाहिए एक प्रकार से हम उसे साम्यवाद भी कह सकते हैं कुछ कामरेडों की सभा हो रही थी एक उसमें प्रवचन करता आया भाषण करता आया निर्धनों के लिए उसने कहा कामरेडों, क्या हम अपनी सारी संपत्ति का आधा समाज को दे देंगे सबने कहा हां सर दे देंगे कामरेड कहते हैं हां भाई का, हां कामरेड दे देंगे क्या हम अपने बंगलो दे देंगे कहे सबने कहा कि हां हम अपना आधा बंगलो दे देंगे क्या हम अपनी गाड़ियां दे, दे देंगे समाज को सबने कहा कि हां हम दे देंगे अंत में कहता है और कुछ बातें हुई क्या आप अपने बीड़ी दे सकते हैं बीड़ी सिगरेट तो सबने कहा नहीं बड़ा आश्चर्य हुआ उस भाषणकर्ता को कि भाई ऐसा क्यों कहते हैं आप आप अपनी सारी संपत्ति आधा देने के लिए सज्ज हैं लेकिन बीड़ी देने के लिए सज्ज नहीं हैं। तो उसमें से एक उठ करके खड़ा होकर के कहता है क्योंकि बीड़ी हमारी है न हमारे पास घर है न भूमि है न भवन है न वाहन है इसलिए हम सब दे सकते हैं लेकिन बीड़ी चूंकि हमारी है इसलिए हम नहीं देंगे मार्ग स्वाद यही है ऐसे वाद का खंडन राम राज्य के माध्यम से करने वाले करपात्र स्वामी के शिष्य प्रशिष्यों में अग्रगण्य अभिषेक ब्रह्मचारी जी का हम इस सभा में समागत होकर के आपने हमारे मध्य हमारे युवकों को अत्यद्भुत भाषण से आप्यायित आप किया उसके लिए हम मद्रास संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य समस्त आचार्य छात्रगण अधिकारी और कर्मचारी गणों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं माननीय आपने प्रारंभ में ही एक शौर्यपूर्ण ओजपूर्ण भाषण सुना साक्षात जैसे सिंह की गर्जना होती है उसी रूप में आपने अभिषेक जी को सुना रोहित सॉरी। रोहित जी को सुना रोहित जी के वचनों को सुन करके ऐसा लगा कि साक्षात जमद। उत्तर भारत में गाजीपुर के पास एक क्षेत्र है जिसे हम लोग जमनिया आजकल कहते हैं वह जामदग्न का आश्रम है वहीं उनकी उत्पत्ति हुई ऐसा ऐसी हमारी मान्यता है और वही नदी का प्रवाह आगे चला जाता है पुनः मिथिला के क्षेत्र में चला जाता है वह पूरा कैचमेंट एरिया जमदग्नि का था और वहां से परशुराम जब समस्त आतताइयों का समन कर चुके थे तो वहां से सीधे आए थे मलयाचल ऐसा लगा वह जमदग्नि का अंश आज वहां कालटी होते हुए चेन्नई आ गया हो हम ऐसे रोहित सिंह जी का अपने मद्रास संस्कृत महाविद्यालय महाविद्यालय के प्राचार्य आचार्य छात्र अधिकारी कर्मचारियों की ओर से हार्दिक अभि स्वागत करते हैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपको धन्यवाद देते हैं हम आप दोनों को कुप्पू स्वामी शोध संस्थान जिसके प्राकार में यह भाषण हुआ है इसके इसके पक्ष से आप दोनों के प्रति कृतज्ञ हैं हम कृष्ण जो हमारी संस्था है वी कृष्ण स्वामी सिक, संस्कृत शिक्षा न्यास उसके सचिव की ओर पक्ष से भी आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इस सभा में पधारे हुए महामहोपाध्याय कृष्णमूर्ति शास्त्री जी जो हमारे प्राक्तन प्राचार्य हैं आपके प्रति हम हृदय से नमस्कार पूर्वक कृतज्ञता निवेदित करते हैं महामहोपाध्याय मणिक द्राविड़ जी उपस्थित हैं जो हमारे महाविद्यालय के मीमांसा विभाग के अध्यक्ष हैं आप हमारे मध्य आए उपस्थित रहे इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं हम अपने संस् मातृ संस्था के सचिव श्रीकांत जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम अपने प्राचार्य जिन्होंने इस कार्यक्रम का सूत्रधारण किया था इनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तथा च इस कार्य के परम सूत्रधार कहे जाएंगे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी श्रीनिवास बरेखेड़ी जी हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अपने कार्यक्रम में व्यवधान को सहन करने वाले हम सबके ज्येष्ठ और रोल मॉडल कहे जाएंगे प्रोफेसर राम सुब्रमण्यन जी के प्रति भी हम इस कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं समस्त सभ्यों जो यह लाइव भी यह कार्यक्रम हो रहा है जो अनागत हमारे श्रोता हैं उन सबके प्रति हम अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ओम गुण। 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 सहना सहनावतो सहनौ भुनको सह वीर कर्वावहै तेजस्वीधीतमस्तु मा ओम शांति शाति ओम